press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. इस वीडियो में हम उन चीजों के बारे में जानेंगे जो वस्तुओं को अल्कली या बेसिक यानी क्षारीय बनाते हैं। बेसिक मटेरियल्स से साबुन जैसी साफ सफाई की चीजें और टाइल्स जैसी सिरेमिक यानी मिट्टी के सामान बनाए जाते हैं। ये एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल डाइजेशन को आसान बनाने में और इंडस्ट्रियल चिमनीज से हार्मफुल गैसेज को निकालने में किया जाता है। अल्कली सोल्यूशन रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। 20 आयोनिक कंपाउंड होते हैं जो अल्कली के पॉजिटिवली चार्ज्ड कैटायंस या पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के अल्कली अर्थ मेटल्स से बने होते हैं। बेसिस वाटर में सॉल्युबल होते हैं और यहाँ पे इस केस में अमोनिया एक बेस है। सभी अल्कली बेस होते हैं लेकिन सभी बेस अल्कली नहीं होते हैं। बेस चिपचिपा एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं। इनका टेस्ट कड़वा होता है। इनकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होती है और एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। बेस को कई तरह से डिफाइन किया गया है। एरिहिनस थ्योरी के अनुसार बेस वाटर में अलग होकर हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं। एरिहिनस की डेफिनेशन बहुत छोटी है जिसमें सिर्फ हाइड्रोक्साइड आयन्स को ही बेस बताया गया है। हम देख सकते हैं कि बेस एसिड से रिएक्ट करके वाटर और सॉल्ट बनाते हैं। लुईस थ्योरी के अनुसार बेस इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। लुईस की डेफिनेशन काफी व्यापक है जिसमें कई तरह के केमिकल बिहेवियर को बेसिक बिहेवियर के रूप में बताया गया है। ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी के अनुसार बेस प्रोटॉन या H+ आयन एक्सेप्टर होते हैं। आइए इसी डेफिनेशन पे बात करते हैं। ये इक्वेशन इक्विलिब्रियम में है। KB इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ये एक बेस रिएक्शन है जो प्रदर्शित करती है कि H+ आयन्स बेस B द्वारा एक्सेप्ट किया गया है। KB HB+/B इनटू H+ के कंसंट्रेशन के बराबर है। KB की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी बेस उतनी ही तेजी से H+ आयन्स को एक्सेप्ट करेगा और बेस उतना ही स्ट्रांग होगा। KB pH वैल्यू से संबंधित है। हम एसिड्स और बेसिस की स्ट्रेंथ को बताने के लिए pH वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। 1 से 14 की स्केल पे pH वैल्यू 7 का सोल्यूशन पानी की तरह न्यूट्रल होता है। pH स्केल के लिए कई तरह के इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अल्कली के लिए फिनोफ्थलीन एक अच्छा इंडिकेटर है। ये pH वैल्यू 10 पे पिंक हो जाता है, जबकि मिथाइल ऑरेंज उतना अच्छा इंडिकेटर नहीं है। pH वैल्यू 7 से कम होने पे इसका रंग बदलता है। पूरा स्पेक्ट्रम होने के कारण ज्यादातर यूनिवर्सल इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोक्साइड्स, कार्बन आयन, एमाइड्स और मेटल्स के हाइड्राइड ग्रुप्स स्ट्रॉन्ग अल्कली में आते हैं। सोडियम हाइड्राइड को सुपर बेस भी कहा जाता है। स्ट्रॉन्ग बेसिस बहुत खतरनाक होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? स्ट्रॉन्ग बेसिस अत्यधिक रिएक्टिव होते हैं और इसलिए कोरोसिव यानी संक्षारक होते हैं। बहुत से साफ सफाई में इस्तेमाल किए जाने वाले लिक्विड्स स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ऑर्गेनिक अल्कलीज सामान्यतः वीक होते हैं। वीक अल्कलीज में अमोनिया जैसे केमिकल्स आते हैं। ये अपने इलेक्ट्रॉनों के लोन पेयर का इस्तेमाल प्रोटोनों को एक्सेप्ट करने के लिए करते हैं। H+ का बॉन्ड वीक होने के कारण ये वाटर में डिसोसिएट होके नेगेटिवली चार्ज आयन नहीं देते।